हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम अभी तक हमने क्या कर लिया, प्लांट किंगडम में जो पांच के पांचों ग्रुप थे, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एनजियो, हमने कंप्लीट कर रखा है। और आज हम बात कर रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो पहली चीज़ ये समझिए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। हमने आपको जब सिखाया, अभी सिखाया क्या हमने सिखाया, एल्गी, एल्गी सिखाई। एल्गी के बाद हमने आपको ब्रायोफाइट सिखाया, इसके बाद हमने टेरिडोफाइट सिखाया, इसके बाद जिम्नोस्पर्म सिखाया, इसके बाद हमने आपको लास्ट सिखाया गया एंजियोस्पर्म। क्या सिखाया? एंजियोस्पर्म। हमने आपको बताया था कि ध्यान से देखिए थोड़ा, हमने एक चीज़ और आपको देख बताई थी, हमने आप बताई थी, आपको याद होगा कि जिसको कहते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और एक होता है स्पोरोफाइट। एक होता है क्या? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आपको याद होगा। हमने आपको बताया था यन और यहाँ लिखा था टू यन, आपको याद है कि नहीं याद है? स्टार्टअप में ही हमने एक बार आपको इंट्रो बताया था, हमने आपको दिखाया था गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होती है। ठीक है, हमने आपको बताया था यन और टू यन। हमने इसको बताया था यन मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, और टू एन मतलब होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? टू एन मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब आप समझ रहे हैं, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक का मतलब है यन और टू एन। ठीक है, यन और टू एन। अब वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। जैसे कि हमने आपको सिखाया था एल्गी, तो हमने एल्गी बताया था, ब्रायोटेरिडो ने बताया था, एल्गी और ब्रायो ने क्या बताया था कि गैमेटोफिटिक फेज क्या होगी, डोमिनेंट होगी। क्या होगी? गैमेटोफिटिक फेज क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और हमारे टेरिडो से क्या हो जाएगी, स्पोरोफिटिक फेज क्या होगी, डोमिनेंट होगी, स्पोरोफिटिक। और इधर हमने जो बताया था क्या, गैमेटोफिटिक। क्या बताया था? गैमेटोफिटिक। ठीक है, यहाँ दो में गैमेटोफिटिक, यहाँ तीन में स्पोरोफिटिक बताया। तो हमने एक चीज़ बताया था कि जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक होती है बेटा, ये कुछ भी नहीं होती, वो क्या होती है, एक प्लांट की एक स्टेज होती है जो हर प्लांट में कहीं ना कहीं आती है। जैसे हमने अपने बताया था कि अगर हम हैं तो आज हम कभी ना कभी बाल्यावस्था में रहेंगे, उसके बाद आज हम किशोरावस्था में हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। आज ये जो प्लांट्स हैं, अगर ये आज गैमेटोफिटिक फेज में है, गैमेटोफिटिक स्टेज में है, तो कल को ये क्या होंगे, स्पोरोफिटिक फेज में होंगे। ठीक है, अब एक चीज़, अब जो प्लांट आज स्पोरोफिटिक फेज में है, कह दो कि कल को गैमेटोफिटिक में नहीं रहे, नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से गैमेटोफिटिक होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है। बट ऐसा नहीं कि उसमें जो गैमेटोफिटिक डोमिनेंट है जिसमें सॉरी जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है उसमें स्पोरोफाइट नहीं होगा, या जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है उसमें गैमेटोफाइट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनमें क्या होगा कि जैसे जिसमें डोमिनेंट, जिसमें जिसमें गैमेटोफाइट दोनों में डोमिनेंट है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट भी होगा, बट वो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमें दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइट में, जिसमें यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि गैमेटोफाइट नहीं है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, बट वो स्पोरोफाइट ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसलिए हमें इस गैमेटोफाइट को वैल्यू नहीं देते हैं। हम ज़्यादा क्या लिखते हैं कि ये डोमिनेंट है, यहाँ पे ये डोमिनेंट है। ठीक, ये अब रही डोमिनेंट की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अभी तक आप समझ गए होंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है, कि जिस प्लांट में गैमेटोफिटिक फेज है उसमें क्या होगी, स्पोरोफिटिक भी होगी। अब एक चीज़ आप समझिए थोड़ा सा और अच्छे से, जैसे ये प्लांट हमारा होता है, तो प्लांट पहले एन से फिर क्या बनता है, टू एन बनता है। ठीक है, एन से हमारा क्या बनता है, टू एन बनता है। आपको याद होगा कि जो हमारा प्लांट होता है वो क्या होता है, कि जैसे अभी हमने आपको रिप्रोडक्शन सिखाया, अभी इसके पहले हमने जब आपको एंजियोस्पर्म सिखाया था, तो हमने बताया कि ये मान लीजिए मेल है, ये फीमेल है, एन प्लस सी एन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, टू एन बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो हमारा क्या होगा, स्पोरोफिटिक होगा। बट ये बताइए, अगर सिंगल की हम बात करें तो हमारा क्या होगा, गैमेट है। सिंगल क्या है, गैमेटोफिटिक, ये हमारा क्या है, गैमेट है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये दोनों गैमेटोफाइट मिलके क्या बनाएंगे, कि स्पोरोफाइट बनाएंगे। क्या मिलाएंगे, देखिए स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि अब ये स्पोरोफाइट क्या होगा, कल को इसमें मियोसिस और फिर क्या क्या बनाए, गैमेटोफाइट बनाए। ठीक है, तो ये होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे यहाँ पे देखो जाइगोट बना, इस जाइगोट में अगर हम मियोसिस करवाएं, इस जाइगोट में अगर हम मियोसिस करवाएं, तो ये क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, इसी को कहते हैं बेटा हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम दो लोगों ने मिलकर फिर मेट किया, मेट करने के बाद हमने एक जाइगोट बनाया, जाइगोट हमारा क्या हो गया, जाइगोट हमारा है स्पोरोफाइट। ठीक है, जाइगोट हमारा क्या है, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है। बट आगे क्या हुई कि यही जो है आगे गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाए, गैमेटोफाइट में कैसे हो जाए, मियोसिस के थ्रू। इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अभी तक आप इतनी चीज़ समझ गए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अब थोड़ा सा और डीपली हम आपको इसको सिखा रहे हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब अब तक आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
एक चीज हमने आपको सिखाई थी साहब, याद होगा आपका, मियोसिस और माइटोसिस, आपको याद होगा हमने जब आपको सेल सिखाया था तब भी बताया था, और अभी भी हम आपसे काफ़ी टाइम से चिल्ला रहे हैं। एक शब्द होता है मियोसिस और माइटोसिस। बहुत बेटा आराम से हम आपको बहुत अच्छे से हौले हौले सिखा रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और बहुत नॉर्मल चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉर्मल भी है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, माइटोसिस, क्योंकि इस चीज़ को हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जो मेन चीज़ है वो बहुत छोटी सी है, ये इसलिए समझा रहा था कि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा दोनों चीज़ों को, ठीक है, ध्यान से देखिए। जो हमारी माइटोसिस होती है साहब, जैसे हमने यहाँ पर लिखा टू एन, तो आगे चल के ये हमारी क्या होगी, टू एन में ही मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं साहब, इसको कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। यही अगर हम बात करें, टू एन यहाँ पे हमारे हैं, टू एन हमारे यहाँ पे है, और यहाँ पे आगे चल के क्या मिल जाए, एन मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। और ये हमारी क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। क्या होती है साहब, रिडक्शनल डिवीजन होती है हमारी, क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे क्या हुई, माइटोसिस हुई, और यहाँ पे हमारी क्या हुई, मियोसिस हुई। अब तक आप एक चीज़ को समझ गए होंगे कि ये जो हमारी माइटोसिस होती है, इसका मतलब होता है जैसे हमारे इस हाथ में दो मार्कर हैं, तो आने वाली मतलब हमारे इस वाले हाथ में भी आगे रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यह डिवीजन कंप्लीट होगा, तो यहाँ भी हमारे हाथ में दो मार्कर रहेंगे। बट हमने देखा कि मियोसिस के केस में क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे हाथ में दो मार्कर है, बट यहाँ फाइनली हमारे हाथ में क्या होता है, एक ही मार्कर बचता है। क्या बचता है साहब, एक ही मार्कर बचता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, और ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। इतनी चीज़ आप समझ गए माइटोसिस और मियोसिस का केस, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस समझने के बाद थोड़ा सा और आपको हम समझाते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए माइटोसिस, और ये समझ गए मियोसिस, ठीक। अब जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि ऐसे ही माइटोसिस और मियोसिस का जो केस है, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में होता है, ठीक है। जैसे कि रिप्रोडक्शन आप सीखेंगे, तो रिप्रोडक्शन, जितने भी रिप्रोडक्शन होंगे, जितना भी रिप्रोडक्शन होगा, जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल होगी, उसमें सभी में क्या होगा, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी, कुछ भी होगा, लेकिन देखिए जैसे कि हमने आपको दिखाया था यहाँ पे यन मेल प्लस एन फीमेल, तो आगे मिलके इनमें क्या होगी, माइटोसिस होगी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 बन जाएंगे। लेकिन साहब ऐसे क्या होगा, ये आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें करना पड़ेगा मियोसिस, और मियोसिस में फिर इन्हें क्या लाना पड़ेगा, एक सिंगल गैमेट लाना पड़ेगा एन, ठीक है। क्या लाना पड़ेगा, सिंगल एन। तो पहली चीज़ आप समझिए कि माइटोसिस जो होती है 2, 4, 6, 8, 10 किसी की भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी की भी हो सकती, बट मियोसिस क्या होती है, 2 से कम की नहीं होती है, ठीक है। अब 2 से आधा नहीं होता, जैसे 2 है तो 2 का आधा नहीं होगा, वो एक ऐसा है नहीं कि जैसे यहाँ पर 2 1 का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 की माइटोसिस हो सकती है, वो यन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या, अगर यन होगा तो यन बाई वन थोड़ी, यन बाई टू थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 से कम होगा तब तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये हुई नॉर्मल बात। अब थोड़ा सा समझिए आप, अब यहाँ पे इतनी हमने आपको क्या सिखा दी, नॉर्मल बात। अब थोड़ा और नॉर्मल देख लीजिए, इसके बाद बस फेज हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, n और n प्लस n, ये हमारा क्या बन गया, 2n, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, 2n, और आगे यही बन के क्या बना, n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा मेल हो गया या फीमेल हो गया, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, माइटोसिस। क्या हो गई, माइटो, अभी हमने जो सिखाया वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। और माइटोसिस की बात यहाँ पे क्या हो गई साहब, मियोसिस। क्या हो गई, मियोसिस। तो ये बताइए, एक ही रिएक्शन, एक ही प्लांट में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। और आपको अभी दो चीज़ें हमने आपको बताया था पहले, टू एन और एन। तो ये देखिए दोनों केस में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, ये चीज़ जो है, टू एन और एन, मतलब ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो फेज हैं, ठीक है, ये जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज हैं, इसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉइड, इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लॉन्टिक। तो अब तक आप इस चीज़ से पूरी तरह से समझ चुके होंगे इस बात को, और इस चीज़ को, इस सिस्टम को, कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब सिर्फ इतना है साहब कि जिसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमेन होगी, उसमें स्पोरोफिटिक फेज उसके बाद होगी, और जिसमें अभी स्पोरोफिटिक फेज है उसमें क्या होगी, गैमेटोफिटिक फेज भी होगी। बट अब एक चीज़ और समझिए आप,
जो गैमेटोफिटिक फेज होती है साहब हमारी ये होती है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि जो हमारा मार्कर है ये हमारी जो ये हाँ पाम पे ये रुका हुआ है, हथेली पे हमारे रुका हुआ है, मान लीजिए हथेली हमारी क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमीट है हमारा, ठीक है। अब ये हमारा जो रुका हुआ है किस पे, हमारी पाम हथेली पे हमारा जो रुका हुआ है मार्कर, मान लीजिए हमारी हथेली क्या है, गैमेटोफाइट है, और ये हमारा क्या है, स्पोरोफाइट है। अब ये बताइए हमारा मार्कर जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट से कह सकता है क्या कि तुम मुझ पर डिपेंड हो? नहीं, ये के नहीं कह सकता। बट बल्कि हमारी हथेली हमारे इस मार्कर से कह सकती है कि तुम मुझ पर फुली डिपेंड हो, बट ये मार्कर जो है हथेली से नहीं कह सकता कि तुम उस पर फुली डिपेंड हो, ये इस पर फुली डिपेंड है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी हथेली हमारे मार्कर से कहे कि मैं आप पे पार्सली डिपेंड हूँ, बट आप मुझ पर क्या है, फुली डिपेंड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे घर की छत होती है वो दीवारों से नहीं कहती, सॉरी, जो हमारी दीवार होती है वो छत से नहीं कहती, बल्कि छत, सॉरी, जो हमारी दीवार होती है ये दीवार हमारी छत पर डिपेंड नहीं होती, बल्कि हमारी छत दीवार पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो हमारी दीवार छत से कह सकती है कि आप हम पर डिपेंड है, बट हमारी छत हमारी दीवार से नहीं कह सकती कि तो हम पर डिपेंड हो, क्योंकि छत खुद हमारे दीवार पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए दीवार जो हमारी घर की होती है इसको आप मान लीजिए गैमेटोफाइट, और जो ऊपर है इसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है, स्पोरोफिटिक पे फूली, सॉरी, गैमेटो स्पोरोफिटिक फेज क्या होगी, स्पोरोफिटिक क्या है, यहाँ पे हमारे छत है, तो स्पोरोफिटिक क्या होगी, हमारे गैमेटोफिटिक पे फुली डिपेंड होगी, बट हमारी दीवार पूरी तरह से छत पे हमारे डिपेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब साहब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन है इसको हम तीन टाइप में पढ़ते हैं, तीन क्या, हम अलग अलग टाइप में पढ़ते हैं, तो तीनों टाइप हम आपको थोड़ा लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तीनों हम आपको क्या लिख के दिखा रहे हैं, देखिए, पहली चीज जो होगी साहब उसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, ठीक है। दूसरी जो होगी उसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, 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 और तीसरी जो होगी साहब उसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक। आपको दिख रहा है यहाँ पे साहब, एक एक काम कर रहा है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हमें खुद नहीं आ रहा, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। बहुत आसान भाषा में हम इसमें ज़्यादा आपको घुमा फिरा नहीं रहे, थोड़ा आसानी से समझ लीजिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको हम समझाएं, ठीक है। आपको जब हमने आपको एल्गी पढ़ाया था तो एल्गी में हमने आपको क्या बताया था, हैप्लॉइड फेज होती है, ठीक है। एल्गी में हमने आपको क्या बताया था, हैप्लॉइड फेज होती है। हमने जब आपको ब्रायो बताया तो हमने क्या बताया कि यहाँ भी क्या होती है, हैप्लॉइड फेज ही हमारी डोमिनेंट होती है, हैप्लॉइड फेज ही हमारी क्या होती है, डोमिनेंट होती है। बट क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है, स्पोरोफिटिक फेज भी हमारे डोमिनेंट होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है। हमने जब आपको क्या पढ़ाया, टेरिडो पढ़ाया, तो टेरिडो में हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमारे स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है ज़्यादा, और गैमेटोफिटिक क्या होती है, कम होती है। हमने इसके बाद आपका जब आपको डिप्लॉन्टिक बताया तो डिप्लॉन्टिक का मतलब यह है जहाँ पे पूरी तरह से क्या हो, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट हो। तो ध्यान से देखिए, हैप्लॉन्टिक का मतलब समझिए आप, हैप्लॉन्टिक अगर कह रहा है तो हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि फुली डिपेंड, फुली डिपेंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। हैप्लॉन्टिक मतलब फुली डिपेंड गैमेटोफाइट, ठीक ठीक है, जहां क्या हो, गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो, जहां पे क्या हो, डोमिनेंट गैमेटोफाइट, ठीक है। यहां पे देखिए आप, जहां पे बॉथ, दोनों गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों डोमिनेंट हो, इसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जहां दोनों क्या हो, डोमिनेंट हो, उसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जहां पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों डिपेंड हो उसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। जहां पे दोनों क्या होती हैं, दोनों फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है, इसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब जहाँ पे हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट हो, जहाँ पे फुली क्या होगी, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी, उसको क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक। जहाँ पे गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक, बॉथ गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होगी, उसको क्या कहते हैं,
उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साहब क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और जहां पे सिर्फ क्या होगा, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी, उसको क्या कहेंगे साहब, उसको कहेंगे डिप्लोन्टिक। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमने आपको बताया कि हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और बताया डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये होता है साहब, जहाँ पे सिर्फ क्या होती है, हमारी गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है, उसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। जहाँ पे हमारी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज दोनों डोमिनेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जहाँ पे हमारी डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफिटिक फेज सिर्फ डोमिनेंट हो, उसको कहते हैं डिप्लॉन्टिक। आप समझ पा रहे इस बात को। हमने सिर्फ तीन चीज़ें आपको बताई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब जहाँ सिर्फ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट हो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है जहाँ गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों डोमिनेंट हो, और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ स्पोरोफिटिक क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, ये हमने आपको बताई नॉर्मल चीज़ें। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है साहब, अगर यहाँ पे क्या है कि डोमिनेंट फेज क्या है, हमारे गैमेटोफिटिक फेज है, तो आगे क्या होगी, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी वो क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। यहाँ पे क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी, कन्फर्म बात है। ठीक है, इसमें क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, इसमें सब में लिखते जाइए। ठीक है, ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं, फ्री लिविंग होंगे, फ्री लिविंग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, पेंडेंट होंगे, और ये क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसके अलावा अगर इसमें हम बात करें एग्जांपल की, तो इसमें क्या होगी, मोस्ट एल्गा। ठीक है, मोस्ट एल्गा एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, मोस्ट एल्गा। ठीक है, जैसे हम बात करें वॉलवॉक्स की, जैसे हम बात करें वॉलवॉक्स की और स्पायरोगायरा की, और कुछ स्पीसीज जो होती है वो क्लेमाइडोमोनास की होती हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और सम क्या होती है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है साहब, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये चीज़ आप सीख गए। अब जैसे हम बात करें साहब की, जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज जहाँ डोमिनेंट होगी और स्पोरोफिटिक, हमने अब तक क्या कंप्लीट कर लिया, हैप्लॉन्टिक फेज। अब हम बात करें हैप्लोडिप्लॉन्टिक की, जहाँ पे क्या हो, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों पाए जाए। ठीक है, तो पहले इस केस को देखिए कि जहाँ पे क्या होगी, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी। जहाँ पे क्या होगी, गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी, तो देखिए आप जहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी उसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो आगे ये बताइए, जहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी वहाँ की अगली वाली जनरेशन क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। जाहिर सी बात है, स्पोरोफिटिक होगी। और जहां पे स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट है वहां की आगे वाली जनरेशन क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। क्या होगी साहब, गैमेटोफिटिक होगी। क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। जहां पे हमने बताया कि गैमेटोफिटिक है वहां की आने वाली जनरेशन क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। और जहां पे स्पोरोफिटिक है वहां पे क्या होगी, आगे वाली जनरेशन क्या, गैमेटोफिटिक होगी। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया कि जो हमारा गैमेट होता है, ये बताइए कभी भी ध्यान से समझिए इस बात को, अब बहुत समझाऊ चीज़ आपको सामने आ रही है। ये बताइए कभी सिंगल आदमी हमेशा फ्री रहता है कि डबल आदमी फ्री रहता है? दोनों जो दंपति होते हैं, पति पत्नी, वो हमेशा फ्री होते हैं कि जो सिंगल आदमी होता है, अखंड सिंगल, वो फ्री होता है? भाई जो अखंड सिंगल आदमी होता है उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। और जो पति पत्नी जो साथ में होते हैं, जिनके परिवार बस चुके होते हैं, घर परिवार बस चुके होते हैं, उनको क्या होती है, उनके जीवन में क्या होती है, समस्याएं होती है। वो कहीं भी आ जा सकते नहीं है। ठीक है, वो फ्री नहीं है, वो हर जगह नहीं आ सकते, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, जिम्मेदारियों का बोझ है। बट हम जैसे अखंड सिंगल लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है। हमने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये हमारे क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, एन, एन मतलब गैमेटोफिटिक, एन मतलब सिंगल। जो सिंगल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक करता है और फ्री लिविंग है, कहीं भी आ जा सकता है, रुक सो सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे सिखाया था। अब हम अगर बात करें साहब यहाँ पे हैप्लॉन्टिक में, तो हमने आपको बताया हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमने बताया कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों होगा। तो ध्यान से देखिए, जिसमें गैमेटोफिटिक फेज हमारी डोमिनेंट होगी, जिसमें हमारी क्या होगी, गैमेटोफिटिक फेज हमारी डोमिनेंट होगी, उसमें आगे वाली जनरेशन क्या होगी, वो क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। आगे वाली जनरेशन क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी। और ध्यान से देखिए, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी, जो आगे स्पोरोफिटिक जनरेशन आने वाली होगी, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगी, 2n होगी। तो अब जो ये जो 2n आने वाला है, जो आगे स्पोरोफिटिक जनरेशन हमारे आने वाली है, ये क्या होगी, इस पर क्या होगी, ये डिपेंड ऑफ फूली और पार्सली, डिपेंड ऑफ फूली और पार्सली, डिपेंड ऑफ फूली, फूली और पार्सियली,
ये जो हमारी गैमेटोफिटिक फेज है, इसमें हमने आपको बताया कि अल्टरनेशन अगर अब जनरेशन अगर इसमें आएगा तो क्या होगा, स्पोरोफिटिक होगी। भाई अगर गैमेटोफिटिक है तो आगे वाली स्पोरोफिटिक होगी, और अगर स्पोरोफिटिक है तो गैमेटोफिटिक होगी। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा कि फुली या पार्शली डिपेंड किस पे होगा साहब, किस पे होगा, अपने गैमेटोफाइट पे, अपने गैमेटोफाइट पे, अपने गैमेटोफाइट पे फुली या पार्शली डिपेंड होगा। किस लिए? पहली चीज़ तो सपोर्ट के लिए। किस लिए? पहली चीज़ तो सपोर्ट के लिए, ठीक है। पहली चीज़ किस लिए साहब? एंकोरेज के लिए। एंकोरेज मतलब सपोर्ट होता है साहब। पहली चीज किसके लिए डिपेंड होगी? एंकोरेज के लिए, ठीक है। पहली चीज किसके लिए? एंकोरेज, एंकोरेज। और दूसरी चीज किस लिए साहब? पहली चीज एंकोरेज के लिए, दूसरी चीज किस लिए साहब? न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो ये साहब क्या होगा, ये फ्री लिविंग नहीं होंगे, कहीं आ जा सकते नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकते, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। कौन? जिसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट है। आने वाली फेज हमारी क्या है? स्पोरोफिटिक है, ठीक है। आने वाली फेज हमारी क्या है? स्पोरोफिटिक है। ये कहीं भी डिपेंड, ये क्या होते? डिपेंड नहीं हो सकते, ठीक है। जिसमें फुल्ली डिपेंड, ये देखिए इसमें क्या था, आप समझिए ध्यान से, इसमें क्या था, हमने लिखा था फुल्ली डिपेंड गैमेटोफाइट। बट यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं फुल्ली डिपेंड गैमेटोफाइट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे स्पोरोफाइट तो आता है गैमेटोफाइट, बट यहाँ स्पोरोफाइट नहीं आएगा गैमेटोफाइट। यहाँ पे क्या होगा? फुल्ली डिपेंड होंगे किसमें? गैमेटोफाइट पे। सॉरी, हमने यहाँ पे स्पोरोफाइट गलत लिख दिया था। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी, यहाँ स्पोरोफाइट का कोई चांस नहीं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ वहाँ पे होगा चांस, बट वहाँ पे इतना दिखता नहीं, वहाँ पे कोई नहीं करता। बट यहाँ पे क्या होगा साहब? यहाँ पे क्या होगा? कन्फर्म है कि अगर हैप्लॉन्टिक है, अगर गैमेटोफिटिक है, तो आगे वाली जनरेशन क्या स्पोरोफिटिक है, और अगर स्पोरोफिटिक है तो आगे वाली जनरेशन क्या गैमेटोफिटिक है, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे एग्जाम्पल लिखें साहब, अगर इसका एग्जाम्पल लिखे गैमेटोफिटिक फेज में, तो आप लिख सकते हैं इसका टोटल जो एग्जाम्पल होगा, इसमें लिख सकते हैं आल ब्रायोफाइट, आल ब्रायोफाइट्स। क्या होगा? आल ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा साहब? एग्जाम्पल आल ब्रायोफाइट हमने किसमें लिखा साहब? गैमेटोफिटिक फेज की। अब हम साहब बात करें स्पोरोफिटिक फेज की। हमने लिखा कि स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पे डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है कि आगे वाली जनरेशन क्या होगी? गैमेटोफिटिक होगी। और जो गैमेटोफिटिक होगी तो मतलब क्या होगी? अखंड सिंगल होगी। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है साहब? ये चीज़ निकलेगा, ये तो ये निकलेगा, ये मतलब सिंगल लौंडा, यन मतलब सिंगल लौंडा, यन मतलब सिंगल लौंडा, अखंड सिंगल। इसका मतलब क्या है? ये क्या होगा? ये फ्री लिविंग होगा। ये क्या होगा? ये फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और क्या होगा साहब? फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और क्या होगा साहब? फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और क्या होगा साहब? फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, और क्या होगा साहब? फोटोसिंथेटिक होगा। क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा। अगर हम इसमें बात करें साहब, हम किसमें बात करें? अगर स्पोरोफिटिक फेज हैप्लोडिप्लांटिंग में अगर हम स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट जहाँ उसकी बात करें, तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं आल टेरिडोफाइट्स। क्या होगा? आल टेरिडोफाइट्स, आल टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं साहब? आल टेरिडोफाइट्स। ये हमने आपको क्या सिखाया साहब? हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में हमने आपको बताया, गैमेटोफिटिक फेज में अगर हमारे गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट है तो आने वाली जनरेशन क्या होगी? स्पोरोफिटिक होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? फुली या पार्शियली डिपेंड होगा ये किसके? अपने गैमेटोफाइट के ऊपर। हमने अभी एग्जाम्पल इतना आपको घसीटा कि हमारी छत हमारे दीवार से कह सकती है कि आप हम पे डिपेंड, हम सॉरी हमारी दीवार हमारे छत से कह सकती है कि आप हम पे फुली डिपेंड है। हमारी छत हमारी दीवार से नहीं कह सकती। तो छत हमारी क्या है? हमारी क्या है? स्पोरोफिटिक है। दीवार हमारी क्या है? गैमेटोफिटिक है। तो गैमेटोफिटिक के बाद हमारी दीवार के बाद क्या होगा? छत होगा, ये कन्फर्म है। अब हमारी छत जो है दीवार से कह सकती नहीं कह सकती, हमारी दीवार हमारी छत से कह सकती है। स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है? गैमेटोफिटिक से नहीं कह सकती, बट गैमेटोफिटिक फेज क्या होती, सॉरी स्पोरोफिटिक फेज क्या होगी? वो पूरी तरह डिपेंड होगी, तो वो कह नहीं सकती। कह कौन सकता है? गैमेटोफिटिक कह सकता है, ठीक है। तो वो उस पर क्या होगी? फुली डिपेंड होगी। हमने बताया यहाँ पे क्या होगी? फुली या पार्शली क्या होगी? डिपेंड होगी, ठीक है। तो 2n। इसके बाद हमने आपको बताया जहाँ स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी वहाँ क्या होगी? अगली जनरेशन क्या होगी? गैमेटोफिटिक होगी। इसके बाद हमने आपको बताया कि आल टेरिडोफाइट, सभी प्रकार के टेरिडोफाइट, ये हमने बताया गैमेटो और स्पोटो। अगर पूछा जाए हैप्लोडिप्लॉन्टिक में गैमेटोफिटिक फेज जहाँ डोमिनेंट होगी उसका एग्जाम्पल बताइए, तो वहाँ पे क्या होगा? आल ब्रायोफाइट्स। और अगर पूछा जाए हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में जहाँ पे स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट हो उसका एग्जाम्पल बताइए, तो उसका एग्जाम्पल आपको बताना है आल टेरिडोफाइट। बट अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में का एग्जाम्पल बताइए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज का एग्जाम्पल बताइए, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें क्या, हमने अभी अपने जब आपको यहाँ सिखाया तो हमने कहा मोस्ट एल्गी, हमने नहीं लिखा आल एल्गी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहली चीज़ तो केल्प, केल्प, केल्प 100 मीटर तक लंबा सबसे बड़ा एल्गी होता है, आपको पता है कि नहीं पता? केल्प। इसके अलावा क्या होता है? इक्टोकार्पस, 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 सॉरी समझ जाइए, इक्टोकार्पस, ठीक है। केल्प होता है, इक्टोकार्पस होता है, और क्या होता है? पॉलीसाइफोनिया,
साहब समझ जाइए आप, पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, हमने अभी तक क्या बताया साहब, हमने आपको बस नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें बताई, बहुत घुमाया फिरा नहीं है। ठीक है, अब हम मेन हमने किस किस को कम्प्लीट कर लिया, हमने कम्प्लीट कर लिया हैप्लॉन्टिक को, हमने कम्प्लीट कर लिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक को, और हम बात कर रहे हैं किसकी, डिप्लॉन्टिक फेज की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं साहब, डिप्लॉन्टिक फेज की। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लॉन्टिक फेज की। अब हम एक डिप्लॉन्टिक फेज की अगर बात करें, जहाँ पे क्या होगी, स्पोरोफिटिक फेज हमारी क्या होगी, डोमिनेंट होगी। अगर स्पोरोफिटिक फेज हमारी डोमिनेंट होगी, तो आने वाली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हमारी होगी क्या क्या होगी, गैमेटोफिटिक। क्या होगी साहब, गैमेटोफिटिक। क्या होगी, गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होगा साहब, अखंड सिंगल लौंडा। क्या होगा साहब, अखंड सिंगल लौंडा, मतलब क्या, एन। अखंड सिंगल लौंडे का मतलब क्या होता है, एन। यन मतलब क्या होगा साहब, ये क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, पूरी तरह से छूट है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और साहब अगर इसमें एग्जांपल पूछा जाए कि आप डिप्लॉन्टिक फेज का एग्जांपल बताइए, तो इसमें क्या होगा, ऑल सीडेड प्लांट, ऑल सीडेड। अब आप बताइए सीड किस में बनता है, कुछ लोग कहेंगे कि एंजियोस्पर्म में बनता है, जिम्नोस्पर्म से सीड बनना स्टार्ट हो जाता है, फुली यहाँ बनता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जिम्नो एंड एनजियो, एनजियो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के सभी जितने भी होते हैं, सभी क्या होते हैं, क्या इसमें आते हैं, डिप्लॉन्टिक फेज में। हमने आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, हमने नॉर्मल नॉर्मल आपको बताया है। पहली चीज हमने बताई कि जैसे कि आप देखिए कि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफिटिक फेज हमने आपको दिखाया था, यन प्लस यन क्या हुआ, माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद क्या हुआ, स्पोरोफिटिक फेज आई, उसके बाद क्या हुआ, गैमेटोफिटिक फेज आई। तो इसका मतलब समझ गया कि स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक क्या है, एक प्लांट की फेज होती है जो हर प्लांट में आती है। ठीक है, बट किसी में कोई डोमिनेंट होती है, किसी में कोई नहीं होती है। ठीक है, हमने पहला एग्जांपल पहले हमने तीन पार्ट में लिखे, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब जहाँ हमने लिखा फुली डिपेंड गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट फुली डिपेंड मतलब क्या होगा, अखंड सिंगल लौंडा, एन। यन मतलब क्या होगा, जब यन है तो मतलब फ्री तरह पूरी तरह से छूट होगी, कहीं भी आ जा सकता है, इंडिपेंडेंट होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हो। इसके अलावा हमने बताया कि इसमें एग्जांपल हमने लिखा मोस्ट एल्गी, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, और क्या होगा, सम क्लेमाइडोमोनास। दूसरी चीज हमने बताया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है जहाँ पे बॉथ गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज दोनों क्या होगी, फेज डोमिनेंट होगी। हमने पहले दिखा आपको गैमेटोफिटिक फेज जहाँ डोमिनेंट है, उसमें आने वाली जनरेशन क्या होगी, स्पोरोफिटिक होगी, स्पोरोफिटिक मतलब टू यन होगी, तो मतलब अखंड सिंगल नहीं है, ये दंपति है, पति और पत्नी दोनों है। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों है, तो यहाँ पे क्या होगा साहब, यहाँ पे क्या होगा, ये अखंड सिंगल है, तो मतलब क्या होगा, ये कहीं भी आ जा सकता नहीं है, फ्री लिविंग नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये फुली या पार्शियली डिपेंड रहेंगे, किस पे, किस पे डिपेंड रहेंगे, अपने गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेंगे। ठीक, अपने किस पे डिपेंड रहेंगे, गैमेटोफाइट पे। एग्जांपल हमने बताया कि टोटल जितने हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल है, गैमेटोफिटिक इसमें क्या डोमिनेंट होती है। इसके बाद हमने बताया सभी जो स्पोरोफिटिक फेज जहाँ हमारी डोमिनेंट होती है, जहाँ पे हमारी क्या होगा, स्पोरोफिटिक टू एंड डोमिनेंट हो, तो आने वाली फेज हमारी क्या होगी, जो अल्टर जनरेशन है वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक। क्या होगी, गैमेटोफिटिक। जब गैमेटोफिटिक फेज हमारी आने वाली जनरेशन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब गैमेटोफिटिक का मतलब क्या होता है, अखंड सिंगल लौंडा। क्या होगा, अखंड सिंगल लौंडा, अखंड सिंगल लौंडा, कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे पूरी छूट है, मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, फ्री लिविंग होगा। दूसरी तीसरी चीज़ क्या होगी, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, मतलब उसे कहीं किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए चाय बना के लाओ, कॉफ़ी बना के लाओ, तभी हम खाएंगे, नहीं हम सर्वाइव ही नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, कुछ भी खा पी के एगी मैगी जी लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ जाइए आप, तो यही चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ है। अब अगर पूछा जाए कि स्पोरोफिटिक फेज जहाँ डोमिनेंट होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में उसका एग्जांपल बताइए, तो आपको क्या बताना है, सभी प्रकार के टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज के एग्जाम में आते हैं, और जिसमें स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है, डोमिनेंट होती है। ठीक है, अब साहब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक का एग्जांपल बताइए, आपसे ये ना पूछा जाए कि स्पोरोफिटिक जहाँ डोमिनेंट है उसका बताइए, गैमेटोफिटिक जहाँ, अगर गैमेटोफिटिक पूछे तो क्या बताना है आपको, तब तो आपको बताना है क्या, सभी प्रकार के ब्रायोफाइट, और अगर आपसे स्पोरोफिटिक पूछे तो क्या बताना है, सभी प्रकार के टेरिडोफाइट। बट अगर आपको ऐसा ना पूछे और आपसे पूछा जाए हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज का एग्जांपल बताइए, तो आपको क्या बताना है, केल्पो बताना है, एक्टोकार्पस बताना है, पॉलीसाइफोनिया बताए, जो आपके क्या है, एल्गी है। ठीक है, जो आपके क्या है, एल्गी है। अब ध्यान से देखिए, ये सब भी एग्जांपल्स हैं, बट अगर सिर्फ पूछा जाए कि मतलब इनमें पार्टिकुलर अगर ये पूछे जाए, तब आप बता सकते हैं, अगर ये सभी दिए हों तब तो ये सभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक के ही आते हैं ना। अब अगर आप बात करते हैं साहब किसकी, डिप्लॉन्टिक की, जहाँ पे क्या होगी, टोटल हमारी क्या होगी, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी, जहाँ स्पोरोफिटिक फेज हमारी टोटल डोमिनेंट होगी, मतलब ये वाला केस, जहाँ स्पोरोफिटिक फेज टोटल डोमिनेंट होगी, वहाँ पे आने वाली जो अल्टरनेशन जनरेशन है वो क्या होगी साहब, गैमेटोफिटिक होगी। क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या साहब, यही बात है, अखंड सिंगल लौंडा। क्या होगा, अखंड सिंगल लौंडा, मतलब कुछ भी कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी खा सकता है, किसी को मार कूट सकता है, उसको पूरी क्या है, छूट। मतलब क्या होगा,
फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक करेगा, और क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, पूरी तरह से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। उसे ये बंधने की होती है आज यहाँ शॉपिंग करने जाना है, आज वहाँ जाना है, इसका इस प्रकार कोई उसे झंझट वंझट नहीं है, ठीक है। वो आराम से पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र आदमी है। क्या क्या है, स्वतंत्र है। तो वो क्या हो गया, अगर इसने आपको एग्जाम्पल पूछा था तो क्या हो गया, सभी प्रकार के आल सीडेड प्लांट, मतलब कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, सभी प्रकार के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सभी प्रकार के होंगे। आई होप कि आप सबको हैप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, स्पोरोफिटिक और डिप्लोन्टिक, आपको सभी प्रकार की जो जितने की लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज से हमारा चैप्टर होता है चैप्टर 3 कंप्लीट, ठीक है। हमने किया प्लांट किंगडम कंप्लीट, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत रुक रुक के काम किया, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर 3, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, जिसको कहते हैं एनिमल किंगडम, और उसमें बहुत आराम से अच्छे से चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी तैयारी, आप बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना होइए और पूरे मन से काम करते रहिए साहब। और जो लोग 2021 में नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो क्या कहें, बस 12 तारीख को स्टेथोस्कोप डाल के आइए, ठीक है। तो बस ठीक है, आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, और भाई साहब कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझते जाइए। और अब तो हमारे पास बॉटनी के बहुत अच्छे टीचर भी हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए जिन चीज़ों में थोड़ा सा हमें समझाने का तरीका शायद हमें लगता है कि वो और बेहतर समझा सकते हैं, उसके लिए वो हैं, ठीक है, शुभम अवस्थी। और उनकी केमिस्ट्री की भी क्लास अब आज से आपको 4:05 पर जो शाम का टाइम होता है उस स्लॉट में आपको मिलेगी, ठीक है, अल्टरनेट डे पे। तो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी हमने स्टार्ट कर रखा है, जो 1 शॉट पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको हर चैप्टर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, और सभी लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और आपके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है, ठीक है, और बेहतर रिजल्ट दिया जाएगा। डॉक्टर बनाए नहीं बनाए, उसके लायक हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।